दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कुछ भी निश्चित है तो वह है हमारी मृत्यु, यानी जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जाना ही होगा। परंतु सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि मनुष्य इस सत्य को जीवन भर स्वीकार नहीं करना चाहता। हिंदू पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु नजदीक आने पर उसे कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं। परंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य इन संकेतों को समझ नहीं पाता। आज के इस एपिसोड में हम आपको शिव पुराण में मृत्यु से पहले दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। शिव पुराण के उमा संहिता में भगवान शिव ने माता पार्वती को मृत्यु के संबंध में कुछ विशेष संकेत बताए थे। इन संकेतों को समझकर आसानी से जाना जा सकता है कि किस व्यक्ति की मौत कितने समय में होने वाली है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव बताते हैं कि यदि किसी मनुष्य का शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो मनुष्य को यह समझ जाना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। इसके अलावा शिवजी बताते हैं कि जिस मनुष्य को ग्रहों के दर्शन होने पर भी दशाओं का ज्ञान ना हो एवं मन में बेचैनी छाई रहने लगे तो उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। साथ ही जिस व्यक्ति को अचानक नीली मक्खियां आकर घेरने लगे उसकी मृत्यु माना जाता है कि 1 माह के अंदर हो जाएगी। शिव पुराण में भगवान शिव ने बताया है कि जिस मनुष्य के सिर पर गिद्ध, कौआ अथवा कबूतर आकर बैठ जाए तो वह भी 1 महीने के भीतर ही मर जाता है। इसी तरह जिस मनुष्य का मुंह, कान, आंख और जीभ ठीक से काम ना करे तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिस मनुष्य को चंद्रमा व सूर्य के आसपास का चमकीला घेरा काला या लाल दिखाई देने लगे तो उस मनुष्य की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो जाती है। ध्रुव तारा व चंद्रमा जिसे ना दिखाई दे अथवा जिसे अन्य तारे भी ठीक से ना दिखाई दें, ऐसे मनुष्य की मृत्यु 1 महीने के भीतर हो जाती है। त्रिदोष यानी वात पित्त कफ में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। यदि किसी व्यक्ति के मुंह और कंठ बार बार सूखने लगे तो वैसे व्यक्ति की 6 महीने के अंदर मौत हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को जल, तेल अथवा दर्पण में अपनी परछाई न दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उसकी आयु 6 माह से अधिक नहीं है। साथ ही जब मनुष्य अपने को छाया से रहित पाए तो ऐसा मनुष्य 1 महीने भी जीवित नहीं रहता। इसके अलावा जब किसी मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़फड़ाता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष जानना चाहिए। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूखने लगे तब वह मनुष्य 1 माह तक ही जीवित रहता है। इसके बाद अगर मनुष्य को ध्रुव तारा अथवा सूर्यमंडल का भी ठीक से दर्शन ना हो अथवा रात में इंद्रधनुष और दोपहर में उल्कापात होता दिखाई दे तो उसकी आयु 6 माह से अधिक नहीं होती। इन सब के अलावा शिवजी ये भी बताते हैं कि जब कोई मनुष्य मृत्यु के बहुत ही निकट आ जाता है और वह शया पकड़ लेता है फिर वह अपनों को बार बार देखने की जिज्ञासा प्रकट करता है, तभी है समझ जाना चाहिए कि उस मनुष्य की आयु अब कुछ ही पहर शेष है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कोई बड़े बुजुर्ग मृत्यु के निकट आ जाते हैं तो वह अपनों को अपने आसपास देखना चाहते हैं जिससे कि आराम से मृत्यु को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत